हमारे सर भी आ गए हैं, ढेर सारा प्यार हम लोगों को मिला है सर से। सर की मैडम के लिए हम लोग लेंगे लाफिंग बुद्धा, आप देख पा रहे हैं यहाँ ढेर सारा बहुत सारा है। संस्कृत विभाग में यह जो उत्सवी माहौल है, मेरे साथ मेरे संस्कृत एमए 18-20 सत्र के बच्चे हैं जो महाविद्यालय से पास आउट कर चुके हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं आया हूँ बेगूसराय, जीडी कॉलेज बेगूसराय। हम लोगों का एमए का रिजल्ट आया था तो उसके बाद हम लोग मिल नहीं पाए थे, तो आज हम लोगों का एक प्लान है, सारे अपने क्लासमेट मिलेंगे, पार्टी करेंगे। तो चलिए आज ब्लॉग अपना शुरू करते हैं जीडी कॉलेज बेगूसराय का। जैसा कि आप कैमरे में देख पा रहे हैं, हम लोग कॉलेज के अंदर आ चुके हैं। कॉलेज की लाइफ को कौन मिस नहीं करता, हर कोई मिस करता है, क्योंकि कॉलेज का लाइफ ही एक अलग लाइफ होता है। देखते हैं कौन कौन यहाँ पहुँचा हुआ है, ऐसे सबको फ़ोन करूँगा, जो नहीं भी आए होंगे उनको बुलाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। खास प्लान था नहीं, लेकिन यहाँ आने के बाद हम लोगों का प्लान बन गया। जैसा कि देख पा रहे हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं कर्पूरी स्थान, कुछ गुलदस्ते वगैरह फूल वगैरह खरीदने हैं। सर से बात हुई तो सर बोले चलो कुछ गुलदस्ते बनवा लो, केक खरीद लो। तो हम लोग अब छोटा जैसा फेयरवेल पार्टी यहाँ करेंगे, तो अभी जा रहे हैं हम लोग कर्पूरी स्थान। क्योंकि आप देख पा रहे हैं हम लोग ढेर सारा मार्केटिंग कर चुके हैं सर के लिए, और ये हम लोग फ्लावर शॉप पर आए हैं भैया के साथ, सर के लिए अभी गुलदस्ता बनवा रहे हैं। तो चलिए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी यहाँ करूँगा सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये बेगूसराय की बहुत ही तंग गलियाँ होती है, छोटी छोटी सकड़ी गलियाँ। अगर आप बेगूसराय में आए होंगे तो देखे होंगे बहुत ही छोटी छोटी गलियाँ। हम लोग ढेर सारा मार्केटिंग किए हैं, मिठाई खरीदे हैं, गुलदस्ता लिए हैं, सर के लिए रिबन वगैरह बैलून वगैरह सब कुछ ले लिए हैं, सर की मैडम के लिए लॉर्ड बुद्धा भी लिए हैं। तो चलिए अब हम लोग रूम को डेकोरेट करेंगे वहाँ जाकर जल्दी से, क्योंकि हमारे पास टाइमिंग बहुत ही कम है। सर बोले हैं 2 बजे तक तैयारी करनी है, और एक हमारी मोना मैम भी है जो सर से जूनियर है, 2-3 साल पहले वो संस्कृत डिपार्टमेंट ज्वाइन की है। तो हमारे संस्कृत डिपार्टमेंट के स्टूडेंट के तरफ से बहुत दिनों के बाद ये फेयरवेल होने वाला है, इसलिए मेरे डिपार्टमेंट के जो भी मेरे क्लासमेट हैं मैं सबको थैंक्स बोलता हूँ कि उन्होंने समय निकाला यहाँ आने के लिए। तो चलिए अब डेकोरेशन का ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत ही जल्द हम लोग जीडी कॉलेज बेगूसराय पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर फेयरवेल की सारी तैयारियाँ चल रही है। ये हमारे अजीत भैया हैं मार्गदर्शन में, अब वो उधर रणधीर जी हमारे बैलून में हवा भर रहे हैं, और वो छुपा रुस्तम राजेश जी, और ये हमारे पीएचडी करने वाले नीरज जी, सिर्फ यही है जिन्होंने अपने सेशन को आगे बढ़ाया। और इधर ये है हमारे सुनील जी, और इधर है शिल्पा जी, लव यू सर लिख रही है, और ये है हमारे संगम कुमार सुमन जी। अगर ज़मीन में विवाद चल रहा हो तो इनसे मिल सकते हैं, अमीन साहब हैं ये। हम लोग संस्कृत डिपार्टमेंट 2018-20 का सेशन है, बहुत ही छोटा परिवार है, इसलिए ये रूम भी छोटा है हमारे डिपार्टमेंट का। आप देख सकते हैं यहाँ सारी तैयारियाँ चल रही है फेयरवेल की, तो बने रहिए हमारे साथ। हम लोगों ने पिछले बार ही सोचा था क्या फेयरवेल बहुत ही भव्य तरीके से किया जाए, यहाँ एक दिनकर सभागार है उसी में करना चाहते थे,
लेकिन उस टाइम कुछ इशू था, सभागार भी कुछ ज़्यादा साफ सुथरा नहीं था, तो सर ने मना कर दिया था, इसलिए आज हम लोगों को ये छोटा प्लेस चूज करना पड़ा। लेकिन कहा भी जाता है छोटा परिवार सुखी परिवार, इसलिए हम लोग यहीं पर अरेंज कर रहे हैं खुद से। और ये हमारे राहुल जी आ गए हैं, मास्टर साहब हैं, और मास्टर साहब वाला पोज भी दिए, अपना ये कोचिंग संस्थान चलाते हैं। बहुत अच्छा लगा, सभी लोग यहाँ आए। संस्कृत विभाग में यह जो उत्सवी माहौल है, मेरे साथ मेरे संस्कृत एमए 18-20 सत्र के बच्चे हैं जो महाविद्यालय से पास आउट कर चुके हैं। सारे बच्चों ने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्णता प्राप्त की है। मैं इन सारे अपने शिष्यों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सब अपने जीवन में प्रवेश करें, जीवन जीने के लिए पाठ्य के रूप में नौकरी या व्यवसाय जिस क्षेत्र में भी ये जाएँ, यह अपने जीवन के बुलंदी पर पहुँचे, इनका जीवन सुखमय हो, ऐसी मंगल कामना मैं अपने इन शिष्यों के लिए करता हूँ। धन्यवाद। तो चलिए अब हम लोग छोटी जैसी पार्टी करेंगे, उसका भी ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं, इनके चेहरे पर आप देख पा रहे हैं कि इनके पेट में समोसे और रसगुल्ले की गर्मी चढ़ गई है। स्वच्छ भारत समृद्ध भारत, इस कचरे को कॉलेज में ना फेंकें, डस्टबिन में डालें। रुकाल पहले ओके कर भाई।
बहुत ही जल्दी हम लोगों की पार्टी शुरू होने वाली है। सारी थाली खाली हो चुकी है।